तो आज हम डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट थर्टीन देख रहे हैं जिसमें आज हम बात करेंगे क्रिएट चैट ग्रुप्स के बारे में तो ध्यान से समझिएगा ये लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो भी चैट ग्रुप्स क्रिएट करना चाह रहा है ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको क्लोज कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या होता है अभी आपके पास बेसिकली यूजर्स का डेटा के साथ हम चैट कर पा रहे थे लाइक यूजर्स के साथ अभी यहाँ पर क्या होगा एक और मेन्यू ऐड होगा जिसमें हम ग्रुप्स में जाकर के लाइक ग्रुप क्रिएट करेंगे फिर बाकी हम आगे देखेंगे ठीक है चैट ग्रुप जो पर उससे पहले मेरे को यहाँ पर जो एक न्यू टेबल क्रिएट करनी होगी जिसका नेम मैं रखूंगा यहाँ पर मैं माइग्रेशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ तो वो आ, मतलब आ, मतलब रीसेट हो जाएगा डेटा ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पर खुद से टेबल क्रिएट कर रहा हूँ लाइक टेबल का नेम मैं रख लेता लाइक like, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ग्रुप्स करके ठीक है एंड यहाँ पर इसकी आईडी रहेगी कुछ इसकी हम हम रखेंगे एंड एंड देन इसका ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट स्टार्ट हैं प्राइमरी की रहेगा ठीक है एंड यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट जो की होगी बेसिकली यहाँ पर हम जो बेसिकली uh, एक कॉलम रखेंगे वो रखेंगे क्रिएटर आईडी करके ठीक है क्रिएटर आईडी जो कि बेसिकली क्रिएटर आईडी डी मैं क्यों रख रहा हूँ कि कौन सा यूजर क्रिएट uh, कर रहा है इस ग्रुप को लाइक like मान के चलिए यहाँ पर ये तीन यूजर्स हैं और एक करंट यूजर लॉग है जो कि संदीप नेम है ये अपना ग्रुप क्रिएट करता है तो क्रिएटर आई डी वो स्टोर होगी जिसने क्रिएट किया अब जैसे राहुल अपना ग्रुप क्रिएट करेगा तो राहुल की वहां पर आईडी स्टोर होगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्रिएटर आईडी रखी है जिसका लेंथ में इलेवन रख लेता हूँ अभी यहाँ पर जो है नेम रखेंगे कि ग्रुप का नेम क्या रहेगा वो हम टेक्स्ट रख लेते हैं लाइक मैंने दे दिया टू फिफ्टी फाइव सॉरी बैरकर रख लेता हूँ इसका मैंने दे दिया टू फिफ्टी फाइव ठीक है एंड यहाँ पर जो है मैं तीन कॉलम्स और एड करूंगा और यहाँ पर एक तो मेरा नेम के लिए हो गया अभी यहाँ पर मेरी ग्रुप की इमेज भी होगी ठीक है यहाँ पर ग्रुप की इमेज भी होगी जो भी आप इमेज रखना चाहते हो मैं इसका टेक्स्ट रख लेता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या कितना बड़ा भी नेम हो सकता है लाइक किसी ने बड़ा नेम डाल दिया इसलिए मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ इसकी हेडेक हम खत्म कर देते हैं ठीक है एंड देन देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट नेम नहीं रख रह सकता हूँ अपने ग्रुप के किसी कॉलम का यहाँ पर मेरे को नाम रखना होगा ज्वाइन लिमिट करके ठीक है मतलब ज्वाइन लिमिट मैंने यहाँ पर दे दिया आप कुछ भी नेम दे सकते हो लिमिट सेट करने के लिए भी हमारे ग्रुप की क्या होगी एक लिमिट होगी तो हम यहाँ पर ग्रुप की लिमिट सेट करेंगे ये ये बेसिकली इंटर आएगी इसका हमने लेंथ दे दिया इलेवन एंड यहाँ पर आपका क्रिएटेड एट अपडेटेड एट होगा क्रिएटेड एट बेसिकली यहाँ पर आपका टाइम स्टैम्प हम रख लेते हैं जो कि करंट टाइम स्टैम्प रहेगा दोनों का और यहाँ पर ये भी टाइम स्टैम्प रहेगा जिसका हम अपडेटेड एट अभी हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये होगा बेसिकली आपका अपडेटेड एट ठीक है तो ये हमारी जो है टेबल रहेगी अब मैंने टेबल तो बना लिया है बट उसके लिए मेरे को यहाँ पर मॉडल भी क्रिएट करना होगा तो हम मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो पी एच पी आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड मॉडल नेम इज लाइक ग्रुप ठीक है अब मैं ग्रुप मॉडल के अंदर जो है कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ मीन्स की और उसके अंदर हम आ, फिल लेवल वगैरह ऐड कर देते हैं लाइक ऐप मॉडल्स एंड देन आपका इसके लिए मॉडल क्रिएट नहीं हुआ अभी चलो अभी क्रिएट हो रहा है थोड़ा टाइम ले रहा है ठीक है तो जैसे ही क्रिएट बेसिकली मैंने हिट तो किया ही नहीं है तो यहाँ पर अभी मैंने हिट कर दिया और यहाँ पर अभी जो है हमारा ग्रुप मॉडल क्रिएट हो चुका है ठीक है अब देखिए टेबल का नेम तो आपको पता ही है कि ऑब्वियसली बात है वो उठा ही लेगा बट हमें यहाँ पर प्रोटेक्टेड में फ्लेवल प्रोवाइड कर देना है ठीक है आ, यहाँ पर फ्लोवल मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि हम इंसर्ट वगैरह यूज़ करेंगे हम डायरेक्ट ऐसे न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं कर रहा हूँ मैं इसलिए ठीक है मैं डायरेक्ट ऐसे क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर हम अपने कॉलम्स को स्पेसिफाई कर देते हैं इसके अंदर ठीक है क्रिएटर आई हो गया नेम हो गया आपका कि ये नेम भी जाएगा ये सारे कंपलसरी होने वाले हैं बेसिकली ये जो भी होंगे अभी हम देखेंगे कि क्या हमें कैसे ये सेव कराना होगा डेटा ठीक है ज्वाइंट लिमिट में रख लेता हूँ नेम ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर लिमिट रखने की कोशिश ना करें वरना आपको एरर दे जाएगा क्योंकि लिमिट ऑलरेडी एक रिजर्व होता है की की वर्ड ठीक है तो यहाँ पर आपके ये सब कुछ हो चुका है ठीक है इस सब मॉडल को हम कर देते हैं क्लोज क्योंकि इस मॉडल का जो है काम खत्म हो चुका है यहाँ से अब सबसे पहले गैस बात आ जाती है यहाँ पर मेरे को एक मेनू ऐड करना होगा ठीक है मेनू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मेनू इसमें कैसे ऐड कर पाएंगे तो हम चलते अपने रिसोर्सेज के अंदर व्यूज एंड आपका यहाँ पर लेआउट्स लेआउट्स के अंदर अगर मैं नेविगेशन के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड मिल रहा होगा लाइक कीरा ठीक है तो मैं सेम इसी का जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा नेमिंग वगैरह हम चेंज कर लेंगे लाइक मैं डैशबोर्ड की जगह कर देता हूँ लाइक ग्रुप्स ठीक है ग्रुप्स एंड इसका राउट अभी हमने क्रिएट तो किया नहीं है तो अभी हम क्रिएट करेंगे लाइक like मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल में नाम रख लिया ग्रुप्स करके ठीक है एंड इसका ग्रुप्स ही मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ तो अभी मैं जस्ट राउट क्रिएट कर लेता हूँ वरना मेरे को ये एरर देगा कि राउट डिफाइन नहीं है और आप यहाँ पर राउट को स्पेसिफाई कर रहे हो ठीक है तो राउट्स एंड देन वेब डॉट पी एच पी अभी देखिए यहाँ पर मैं जो है बेसिकली uh, यहाँ पर एक मिडलवेयर चल रहा है आपका ऑथ या तो आप चाहो तो ग्रुप वेयर लगा सकते हो और पर पर मैं सिंपल छोटी सी एप्लीकेशन है तो मैं नहीं चाह रहा ठीक है तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर ग्रुप आ, ग्रुप ग्रुप्स राउट ठीक है मैंने यहां पर ग्रुप्स राउट करके बना लिया है एंड यहाँ पर जो है आपका गेट बनेगा अब आपको भी पता होना चाहिए यहाँ पर जो आपका बनेगा राउट वो आपका बनेगा ग्रुप्स ठीक है ग्रुप्स एंड यहाँ पर मैं सेम नेम जो है बनाऊंगा अब इसलिए यहाँ पर होगा आपका लोड ग्रुप्स ठीक है लोड ग्रुप एंड यहाँ पर इसका मेडल वेयर तो चल ही रहा है नेम हम प्रोवाइड कर देते हैं ग्रुप्स ठीक है अब मेरे को जस्ट एक व्यू भी क्रिएट कर लेना है वरना मेरे को एरर आएगी लाइक like मैं अगर मेथड डिफाइन कर नहीं करता हूँ और मैं मेथड के अंदर से कुछ रिटर्न नहीं करता हूँ ठीक है तो मैं ये सबसे पहले एक व्यू भी बना लेता हूँ लाइक like मैं व्यू नेम इज लाइक कुछ भी रख सकते हो लाइक like मैंने यहाँ पर रख लिया ग्रुप डॉट डॉट पी एच पी ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ अब अपना ग्रुप बेसिकली ये तो मैंने बना लिया इसके अंदर से लाइक अभी आप देखोगे तो ये एक्स ऐप लेआउट या ये मैं ये सारा उठा लेता हूँ इतना ठीक है ये बेसिकली कॉमन रहने वाला है इसलिए ठीक है मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, एंड यहाँ पर एक्स ऐप लेआउट जो है ना इसको मेरे को लास्ट में जो है क्लोज भी करना होगा ठीक है सबसे पहले मैं डिप को क्लोज कर देता हूँ डिप मैंने क्लोज कर दिया एंड यहाँ पर मैं एक्सएप लेआउट को भी क्लोज कर दूंगा ठीक है और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लाइक like, एक हेडिंग बना ली लाइक ग्रुप्स करके ठीक है ये ग्रुप्स नाम की एक हेडिंग बना ली है अब मेरे को करना है क्या इसके लिए अपने कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ और अपना लोड करा देता हूँ व्यू जो कि ये हमारा ग्रुप्स व्यू ठीक है तो बेसिकली एच टी पी कंट्रोलर सैंडन आपका यूज़र कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर में हमने कौन सा मेथड कॉल किया है बेसिकली लोड ग्रुप्स ठीक है तो यहाँ पर मैं आता हूँ और नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं पब्लिक फंक्शन पब्लिक फंक्शन कर देता हूँ लोड ग्रुप एंड यहाँ से मेरे को डायरेक्ट क्या करना है रिटर्न करना है व्यू अपना जो कि है व्यू नेम इज ग्रुप्स ठीक है ग्रुप्स नाम का हमारा क्या है बेसिकली व्यू ठीक है तो एक बार मैं ऑप्टिमाइज कर लूंगा तो पी एच पी आरटीजन ऑप्टीमाइज क्योंकि वेबराउट फाइल अपडेट की है और यहाँ पर अब हम करेंगे सर पी एच पी आरटीजन सर तो अभी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा मीनू आता है या नहीं तो चेक करते हैं कि क्या होता है हाँ आ चुका है मीनू तो अभी मैं इस पर जाता हूँ तो अभी देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर हाँ प्रॉपर है कि आपकी हेडिंग भी आ रही है हेडिंग जो है आपकी हेडिंग जैसी नहीं लग रही है पर चलो कोई नहीं मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है मैं डिजाइनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ फिर भी आप यहाँ पर चाहो तो अपना स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हो लाइक फॉन्ट साइज़ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ फिलहाल में फॉन्ट साइज लाइक ट्वेंटी या टेन पिक्सल समथिंग जो भी मेरे को आइडिया नहीं है कितना होगा ठीक है तो जो भी है चलो मैंने यहाँ पर ठीक दे दिया है जितना मेरे को लग रहा है ठीक है तो अभी यहाँ पर हमें करना क्या है बेसिकली एक हमें यहाँ पर बूट स्टेप मॉडल यूज़ करना होगा उसके लिए ही हमें यहाँ पर वर्क करना होगा तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बूट स्टेप मॉडल सर्च कर लेता हूँ तो मेरे को वर्टिकल सेंटर्ड बूट स्टेप मॉडल यूज कर लेता हूँ लाइक ये वाला जो कि आपको दिखाई दे रहा है सैम्पल ठीक है तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ठीक है पेस्ट कर दिया मैंने और यहाँ पर देखोगे सबसे पहले तो मैं इस थोड़ा बटन को बढ़िया रूप से कर लेता हूँ ठीक है थोड़ा लुक इसका बेटर लगे लाइक इस बटन के बटन का जो टेक्स्ट होगा वो होगा क्रिएट ग्रुप क्रिएट ग्रुप ठीक है और बाकी हम यहाँ पर बेसिकली मॉडल का नेम चेंज करके रख लेते हैं जो भी आप चाहते हो लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ क्रिएट ग्रुप मॉडल ठीक है एंड यहाँ पर जो है इसका डेटा टारगेट भी मैं क्या करता हूँ अपना क्रिएट ग्रुप मॉडल प्रोवाइड कर देता हूँ अभी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा बेसिकली क्या बोलते हैं मॉडल जो आ रहा है ठीक है प्रॉपर आ रहा है मॉडल ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर हम क्या करते हैं टाइटल वगैरह चेंज कर लेते हैं लाइक हमें फॉर्म क्रिएट करना होगा सबसे पहले तो क्योंकि हमें ग्रुप क्रिएट करना है ठीक है तो बाकी अभी हमारी हेडिंग वगैरह भी सेटअप हो चुकी है ठीक है अब हम इसको फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको थोड़ा बटन को इधर करता हूँ और यहाँ पर ये जो है ना बॉडी इसके ऊपर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना फॉर्म टैग और यहाँ पर लास्ट में जो है इस टिप के बाद मैं जो है क्लोज कर दूंगा इसको ठीक है तो मैंने क्लोज कर दिया है अब यहाँ पर हम इस फॉर्म के अंदर क्या क्या रखने वाले हैं सबसे पहले इंक्रिप्शन टाइप होगा क्योंकि यहाँ से हम फाइल भी प्रोवाइड करेंगे तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा आ चुका है ठीक है एंड मेथड वगैरह हमें यहाँ पर लगाने की नीड नहीं है आईडी हम यूज़ करेंगे मेथड मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एजेक्स यूज़ करूंगा ठीक है तो क्रिएट ग्रुप नाम का मैंने यहाँ पर आईडी दे दी है ठीक है आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो क्रिएट ग्रुप फॉर्म या कुछ भी समथिंग जो भी आपको सही लगता है अब मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ अपना एक इनपुट बनाता हूँ इनपुट टाइप लाइक टेक्स्ट रख लेता हूँ एंड यहाँ पर नेम इक्वल टू नेम और प्लेस होल्डर रहेगा लाइक प्लेस होल्डर में लाइक like आप यहाँ पर बोलोगे एंटर ग्रुप नेम ठीक है एंटर ग्रुप नेम और ये रिक्वायर्ड रहेगा इसलिए हमारे जो भी फील्ड होंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं क्लास दे देता हूँ समथिंग क्योंकि ये थोड़ा बूटेस टाइप की क्लासेस ले ले लाइक like, सबसे पहले मैं डब्ल्यू हाई फैन हंड्रेड प्रोवाइड कर देता हूँ पूरी वर्थ ले लेगा मॉडल के अंदर एंड मार्जिन बॉटम हम टू दे करके चलेंगे जैसे कि बाकी नीचे के टेक्स्ट फिल्ड जो आए वो थोड़ा मार्जिन लेकर चलते आए ठीक है लाइक like, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये प्रॉपर आ रहा है ठीक है लाइक मैं अभी बेसिकली सब आ, से बटन पर यहाँ पर अभी बेसिकली हम सारा कुछ सेटअप कर लेते हैं एक हमारा बनेगा इनपुट टाइप फाइल और इनपुट टाइप फाइल हमारा रहेगा ये भी हमारा रिक्वायर्ड रहेगा नेम इसका मैं प्रोवाइड कर देता हूँ लाइक इमेज और इसको भी मैं क्लास देता हूँ लाइक डब्ल्यू हाई हंड्रेड एंड एम बी हाई टू ठीक है इससे क्या होगा मार्जिन बॉटम टू ले लेगा अब यहाँ पर मेरे को एक और बनाना है इनपुट टाइप जो कि लिए नंबर है जो कि हम लिमिट सेट करेंगे ठीक है इसका हम नेम रख लेते हैं लाइक लिमिट ठीक है आप कुछ भी रख सकते हो मिनिमम मैं इसमें चाहूंगा कि बन रहे मतलब मिनिमम एक लिमिट तो हो रही ही रहे ठीक है प्लेस होल्डर में सेट करना चाहूंगा यहाँ पर ले देता हूँ एंटर लाइक यूजर लिमिट ठीक है एंड यहाँ पर भी हम इसको रिक्वायर करके चलेंगे और क्लास दे देते हैं लाइक डब्ल्यू हाइव हंड्रेड एंड एम बी फाइव टू की तो यहाँ पर नीड नहीं है फिर भी मैं दे लेता हूँ थोड़ा स्पेसिंग वगैरह के लिए ठीक है तो अभी जो है हम देख लेते हैं कि क्या लुक आ रहा है हमारे फॉर्म का तो अभी जो है हमारे फॉर्म का यहाँ पर लुक को इसलिए अभी आएगा प्रॉपर ठीक है तो यहाँ पर लुक जो है प्रॉपर आ चुका है ठीक है बाकी अभी हमें करना क्या इसके ये जो आपका सब सेव चेंजेस है इसको हम चेंज करके यहाँ पर रख लेते हैं क्रिएट और यहाँ पर हम इस बटन का इनपुट टाइप रखेंगे सबमिट जैसे कि ये सबमिट बटन बन जाए ठीक है फॉर्म सबमिट फॉर्म सबमिशन का ये काम करे लाइक यहाँ से ठीक है तो प्रॉपर है क्रिएट uh, की स्पेलिंग बेसिकली सी आर ई ए टी होती है ठीक है अभी यहाँ पर मेरे को जो नेक्स्ट वर्क करना है वो मेरे को करना है फॉर्म को सबमिट करवाना है ठीक है अपने राउट पर जो कि बिजके लिए अभी मैंने राउट तो बनाया नहीं है फिलहाल में अभी हम आगे बनाएंगे पर अभी मैं यहाँ पर जो है अपना बेसिकली यहाँ पर नहीं अपनी पब्लिक के अंदर आता हूँ जी एस एंड कस्टम डॉट जी एस ठीक है इसके अंदर हमें बेसिकली अपना देखिए यहाँ पर एज का सेटअप तो आपका चल ही रहा है सी एस आर एफ टोकन मैं नीचे आ जाता हूँ लास्ट में और यहाँ पर मैं कमेंट और न लेता हूँ लाइक ग्रुप स्क्रिप्ट ठीक है या ग्रुप चैट या चैट ग्रुप स्क्रिप्ट ठीक है अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा डॉलर हैज और हैस यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करके चलते हैं वरना क्या पता ये आपकी जे एज एक्स वर्क ना करे ठीक है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कभी कभी होता है ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ठीक है तो फंक्शन बनाया हमने एंड यहां पर मैं इसको एंड में लिख देता हूँ ये डॉक्यूमेंट रेडिएंट uh, इससे मेरे को बाद में याद रहेगा ठीक है तो यहाँ पर जो है मैंने अपना ये बिजली हम यहाँ पर अपना फॉर्म को सबमिट कराएंगे तो फॉर्म सबमिशन लाइक जो हमारा क्रिएट ग्रुप आईडी है इसकी तो क्रिएट ग्रुप फॉर्म रख लेते हैं इसकी आईडी थोड़ा अंडरस्टेंडेबल रहेगा क्रिएट ग्रुप फॉर्म ठीक है तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल नेम रहेगा इसलिए मैंने क्रिएट ग्रुप फॉर्म रख लिया ठीक है तो डॉट सबमिट जब आपका ये फॉर्म जो है सबमिट होगा तो हम एक फंक्शन ट्रिगर करवा रहे हैं जो कि एक लाइक like, मैंने ले लिया ई इसमें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देंगे जिससे आपका फॉर्म सबमिशन पर पेज रिफ्रेश ना हो ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा एक एजेक्स सेट कराऊंगा ठीक है सिंपल डॉलर डॉट एजेक्स यू आपका रहेगा यू आर अभी मैं प्रोवाइड करूंगा लाइक like मैं कुछ तरीके का यू बनाऊंगा क्रिएट ग्रुप करके ठीक है क्रिएट ग्रुप अभी बनाया नहीं है बनाऊंगा ठीक है इसका टाइप हम रख लेते हैं लाइक टाइप मैंने रखा सॉरी स्ट्रिंग में नहीं टाइप में रख लेता हूँ यहाँ पर पोस्ट क्योंकि आपकी इमेजेस वगैरह भी जाएंगे अब देखिए इमेजेस वगैरह जब आप एजेक्ट से भेजते हो तो कुछ और एट बेसिकली कुछ और कीज हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी सबसे पहले तो आप डेटा प्रोवाइड कर दो जो भी आपका डेटा है तो लाइक मैं न्यू फॉर्म डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ लाइक न्यू फॉर्म डेटा इसमें मैं करंट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ जो भी हमारे फॉर्म बेसिकली फॉर्म की आई का रहा है ठीक है एंड यहाँ पर कंटेंट टाइप आपको प्रोवाइड करना होता है कंटेंट टाइप बेसिकली ये इमेजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कंटेंट टाइप आप फॉल्स रख दीजिएगा ठीक है एंड यहाँ पर आपका होता है कैसे कैसे को आप फॉल्स कर दीजिए ठीक है एंड एक होता है आपका प्रोसेस डेटा प्रोसेस डेटा इसको भी आपको फॉल्स कर देना है ठीक है तो ये तीन चीज़ें हैं जिनको आप फॉल्स करके चलिएगा वरना आपकी जो है इमेजेस सॉरी प्रोसेस डेटा में डी कैपिटल आएगा ठीक है तो ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इमेज वगैरह सेंड करते हो अपनी एजेक्स में ठीक है तो सक्सेस सक्सेस में आपका फंक्शन रहेगा लाइक फंक्शन यहाँ से आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा रेस्पॉन्स के अंदर तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे तो लाइक यहाँ पर एक हम अलर्ट करा देते हैं लाइक अगर कोई एरर वगैरह आएगी बैक एंड से तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे वो मैसेज प्रोवाइड कर देंगे लाइक एक हम की का नेम रखेंगे लाइक एम एस जो कि हम वहाँ से भेजेंगे ठीक है वरना अगर ट्रू होता है लाइक मान के चलिए डॉट सक्सेस जो है अगर ट्रू होगा वहां से लाइक सक्सेस अगर ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे लोकेशन को रीलोड करा देंगे ठीक है रीलोड इससे क्या होगा जैसे आपका फॉर्म मतलब ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी मैसेज होगा या तो ट्रू में हमने मैसेज भेजा होगा सक्सेस होने पर कि आपका मैसेज ग्रुप क्रिएटेड हो चुका है या आपकी कोई एरर होगी तो वो अलर्ट में आ जाएगी फिर आपका जैसे सक्सेस हो जाता है तो मतलब सक्सेस हुआ होगा तो आपका रीलोड हो जाएगा पेज बनना आ, कुछ भी नहीं होगा मतलब एरर मैसेज आ जाएगा ठीक है तो चलिए मैं जो है ये राउट क्रिएट कर लेता हूँ क्रिएट ग्रुप इसको हमें यहीं पर क्रिएट करना होगा सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर लेता हूँ अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सिंपल ए को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ गेट वाली को बट इसमें मैं क्या करूँगा इसको पोस्ट बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर हमें पोस्ट बनाना होगा ठीक है एक यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने मीनिंग मिस्टेक तो नहीं की क्रिएट ग्रुप ठीक है एंड यहाँ पर इसका नेम हम रख लेते हैं लाइक क्रिएट ग्रुप मैथड नेम इज़ क्रिएट ग्रुप एंड ऑथ हम यूज कर रहे हैं एंड इसका नेम भी हम प्रोवाइड कर लेते हैं क्रिएट ग्रुप ठीक है नेम लगाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मैं इसका नेम तो यूज नहीं कर रहा हूँ बट अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा के रख सकते हो ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर आता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर ग्रुप्स डॉट ई जी बेसिकली ग्रुप्स डॉट ब्लेट डॉट पी एच पी को मैं कर देता हूँ क्लोज क्योंकि अब इसका काम है नहीं कस्टम डॉट जी एस का भी काम है नहीं और इसको भी हम कर लेते हैं क्लोज अब बेसिकली हमारा जो काम रहता है यहाँ रहता है ठीक है सबसे पहले मैं अपना बेसिकली क्या बोलते हैं मॉडल जो है यहाँ पर लेकर के आऊँगा सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नेम प्रो पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को बाद में यूज़ करना होगा कॉपी पेस्ट किया मैंने और यहाँ पर मेरे को ग्रुप मॉडल यहाँ पर यूज़ करना होगा ग्रुप मॉडल ठीक है अब इस क्रिएट ग्रुप मै मैथड को हम क्रिएट कर लेते हैं लाइक नीचे आता हूँ सबसे पहले लाइक पब्लिक फंक्शन पब्लिक फंक्शन सॉरी फंक्शन एंड यहाँ पर आपका क्रिएट ग्रुप रिक्वेस्ट आएगी रिक्वेस्ट में आपकी डेटा आएगा डॉलर रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर यह आपका बन चुका है ठीक है ट्राई कैच यूज करूंगा लाइक like मैं इसी का ट्राई कैच मतलब कैच जो है ब्लॉक यूज कर लेता हूँ बाकी ट्राई मैं अपना बना लेता हूँ ट्राई एंड देन आपका ये ठीक है कै ट्राई कैच मतलब मैंने यहाँ पर जो है बना लिया आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ट्राई कैच में अगर कुछ एरर आएगी तो आपका फॉल्स जाएगा और वहाँ पर एरर जो है अलर्ट हो जाएगी ठीक है अब लाइक वायदा भी मान के चलिए अब हमें यहाँ पर जो है अपना ग्रुप क्रिएट करना है ठीक है डेटा आ रहा है आपके पास सब कुछ आ रहा है सबसे पहले मैं इमेजेस को जो है अपने फोल्डर के अंदर स्टोर कराऊंगा जो कि हमारा पब्लिक के अंदर बेसिकली अगर मैं जाऊँ अपने पब्लिक के अंदर यहाँ पर हमारा इमेजेस नाम का ऑलरेडी बन ही रहा है तो हम इसके अंदर जो है इमेजेस स्टोर करा देंगे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ डॉलर इमेज नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक इसको मैं रख लेता हूँ स्टार्टिंग में एम्प्टी ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूंगा रिक्वेस्ट में इमेज आ रही या नहीं ऑब्वियसली बात है आ ही रही होगी तो यहाँ पर आप लगाओ या मत लगाओ इस कंडीशन आपको लेना देना नहीं है ठीक है बट अगर आप लगाओगे तो एक बेस्ट भी होता है ठीक है तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ रिक्वेस्ट इमेज रिक्वेस्ट इमेज मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि कैश यहाँ पर जो है हमने लाइक अगर मैं आऊँ रिसोर्सेज के पास ठीक है व्यूज़ के पास एंड देन आपका ग्रुप डॉट डॉट पी एच पी यहाँ पर जो हमने इसका नेम रखा हुआ है वो हमने रखा हुआ है इमेज ठीक है ये हमें नेम ध्यान रख के यहाँ पर यूज़ करने होंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट हमने चेक किया कि रिक्वेस्ट में इमेज आ रही है ठीक है कोई बात नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अपना नेम क्रिएट कर लेते हैं इमेज का लाइक करंट टाइम और समथिंग uh, स्ट्रिंग में हम हाइफन लगा देते हैं और हम यहाँ पर क्या करेंगे उसका एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं लाइक रिक्वेस्ट 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 ठीक है नेम ठीक है ना चलो ठीक है रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर आपका इमेज और उसका एक्सटेंशन हम ले लेंगे लाइक एक्सटेंशन मीनिंग यहाँ पर सही होनी चाहिए आपकी ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया जो भी आपका इमेज आया होगा हमने करंट टाइम के साथ हाईफन एंड देन उसका जो भी एक्सटेंशन रहा होगा सॉरी हाइफन क्यों लगा दिया हमने डॉट लगाना ना डॉट के बाद ही तो आपका एक्सटेंशन नहीं होता लाइक डॉट पी एन जी डॉट जे पी जी ठीक है तो करंट टाइम एंड देन डॉट आपका जो भी फॉर्मेट रहा होगा एक्सटेंशन वगैरह ठीक है फिर मैं इसको क्या कर लेता हूँ एक इमेज नेम का वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि बेसिकली हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये वाला ठीक है तो मैंने इसी के अंदर क्या किया इसको असाइन कर दिया अगर कोई इमेज आती है तो हम क्या करेंगे ये नेम हमने बनाया कस्टम बे में और इसको यहाँ पर असाइन कर दिया ठीक है अब हमें करना क्या होगा इमेज को जो है मूव करना होगा अपने पाथ के पास तो हमें यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट एंड इमेज को हम क्या करेंगे मूव करेंगे ठीक है तो मूव तो मूव हमें कहाँ पर करना है पब्लिक पाथ के अंदर तो हम यहाँ पर पब्लिक पाथ फोल्डर, फोल्डर दिखाया था ठीक है डॉलर इमेज नेम की किस इमेज नेम से जाना चाहिए मूव होना चाहिए वो आपका मैंने बता दिया कि ये इमेज का नेम रहेगा इस फोल्डर के अंदर आपकी इमेज जानी चाहिए और ये वाली इमेज है जो कि मूव कर दो ठीक है अब हम क्या करेंगे डॉलर इमेज नेम में मैं एक अपना पूरा का पूरा पाथ जो है कवर करके यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर कराऊंगा ठीक है तो लाइक इमेजेस लाइक सबसे पहले इमेजेस नाम का मतलब फोल्डर नेम रहेगा फिर आपका डॉट डॉलर इमेज नेम ठीक है बेसकली आपका डॉलर इमेज नेम है ना ये यह हम यहाँ पर जो है डाल देंगे ठीक है तो अब ये जो है प्रॉपर पाथ है जो कि हम डेटाबेस के अंदर डलवा सकते हैं और ये काफ़ी बेसिकली इजी भी रहेगा फ्रंट एंड साइड पर हमें यूज करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर यह आपका इमेज का कोड हो चुका है अब मैं यहाँ पर जो है ग्रुप क्रिएट करता हूँ लाइक ग्रुप इंसर्ट इसलिए मैंने फिल लेवल यूज करवाया था क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंसर्ट अपडेट और क्रिएट ऐसे कुछ हमें मेथड्स यूज करने होते हैं तो हम लेवल यूज करते हैं ठीक है अभी यहाँ पर मैं क्रिएटर आईडी यूज करूंगा सबसे पहले क्रिएटर आईडी लाइक यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि कोई एरर ना हो जाए तो क्रिएटर आईडी डी क्रिएटर आई में क्या होगा बेसिकली मेरे को करंट यूजर की आईडी चाहिए होगी तो मैं ऑथ का यूज़ कर सकता हूँ और देन आपका यूजर यूजर में से मैं क्या करूंगा उसकी आईडी निकाल लूंगा सिंपल है एंड यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट जो आता है नेम जो कि बिज आपको पता है नेम आ रहा होगा बेसिकली आपके फॉर्म से जो कि इसका नेम है नेम ठीक है तो यहाँ पर मैं डॉलर रिक्वेस्ट और नेम निकाल लूंगा ठीक है कोई बात नहीं है. अब यहाँ पर मेरे को चाहिए इमेज तो इमेज मेरी यहाँ पर आएगी इमेज और जो कि बेसिकली आपका डॉलर इमेज नेम चाहे अगर आपकी इमेज अपलोड हुई है तो आपका पूरा पाथ होगा वरना आपका एमपटी होगा हालांकि कोशिश तो हमारी यही है कि पूरी इमेज ही अपलोड होगी ठीक है कोशिश ही क्या कोर तो हमारा परफेक्ट लग रहा है एंड देन नेक्स्ट वन इज लास्ट हमारा ज्वाइन लिमिट ठीक है ज्वाइन लिमिट ज्वाइन लिमिट में आपको भी पता है डॉलर रिक्वेस्ट से आपकी लिमिट आ रही है लिमिट नाम ही है उसका चेक कर लेते हैं एक बार लिमिट नेम है ठीक है तो अब जो है ये आपका प्रॉपर क्रिएट हो चुका है ठीक है मतलब ग्रुप क्रिएट हो चुका है हम जो है रेस्पॉन्स दे देते दे हैं फ्रंट एंड साइड के लिए ठीक है लाइक like, यहाँ से सक्सेस हम देंगे ट्रू एंड यहाँ पर मैं मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा लाइक uh, like, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैसेज नेम मतलब किस नेम से मतलब क्या नेम मतलब क्या मैसेज दूंगा uh, यहाँ पर मैं दूंगा लाइक like, किस तरीके से कि रिक्वेस्ट डॉट सॉरी uh, रिक्वेस्ट नेम और यहाँ पर हम कंकटिनेट करेंगे मतलब लाइक मान के चलिए कोई बोल रहा है टेक्निकल ग्रुप तो टेक्निकल लाइक मान के चलिए मैं अपना चैनल का नेम बताता हूँ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ठीक है मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली ठीक है एक बार हम चेक करेंगे इसको जो फंक्शनलिटी अभी हमने क्रिएट किया बट उससे पहले मेरे को जो है एक बार राउटिंग फाइल को मतलब ऑप्टिमाइज करना होगा अपना पूरा प्रोजेक्ट ठीक है ऑप्टिमाइज कर लेते हैं एंड फिर मैं जो है यहाँ पर सर्व करूंगा अपना प्रोजेक्ट तो सर्व किया मैंने अब हम चेक करते हैं सबसे पहले मैं इसको ब्राउज करता हूँ इसमें कोई डेटा नहीं होगा अभी फिलहाल में ठीक है और जो है हम यहाँ से जो है क्रिएट करेंगे ग्रुप तो अभी सर्व इसकी लोड हो चुका है ठीक है तो अभी कोई डेटा नहीं है लाइक मैं यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करता हूँ लाइक प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ठीक है और यहाँ पर मेरे को इमेज डालना नीड होगा वरना यहाँ पर रिक्वायर्ड uh, लगा हुआ है हमारा लाइक like, uh, यहाँ पर मैंने ये चूज़ कर लिया एंड लाइक लिमिट मैंने डाल दी थ्री यूजर्स की क्रिएट करता हूँ क्रिएट किया मैंने तो यहाँ पर अभी बोलता है प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ग्रुप हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली ओके किया लोकेशन रीलोड हो गई ठीक है एंड देन यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हमारी इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं तो देख सकते हो तो वन और क्रिएटर आई डी वन मीनस जो यूजर आई डी थी वो मेरी वन थी एंड नेम आ चुका है ग्रुप का एंड उसकी इमेज आ चुकी है ज्वाइन लिमिट आ चुका है मतलब कि आपका ग्रुप जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा जिसमें हम शो कराएंगे फिर आगे हम बहुत कुछ कराने वाले होंगे सो थैंक यू गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में